गौरव भाटी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब कांग्रेस पार्टी की ओर से सीधे कहा जा रहा है कि 10 सालों तक जिसने धर्म के नाम की सियासत की हो ताकि ध्रुवीकरण के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके, अब कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करती है, क्या है इस पर जवाब गौरव जी आपका? देखिए चित्रा जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, 4 जून को एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं और इसीलिए विपक्ष में बौखलाहट है। और नरेंद्र मोदी जी ने जब इनको आईना दिखाया और इनकी सूरत इनको खुद को खराब लगी तो बौखलाने लगे। मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो जो संसद में जाता है या विधानसभा में, वो संविधान की शपथ लेता है। अब चित्रा जी आप मुझे ये बताइए कि शाहबानो का केस आपको याद होगा, क्या हुआ था? एक 65 साल की मुस्लिम महिला को भत्ता मिला सर्वोच्च न्यायालय से, तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए राजीव गांधी ने एक कानून लाए और उसको पलट डाला, ये तुष्टिकरण है। हज सब्सिडी क्या है आप बताइए? मनमोहन सिंह जी का ये कहना कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है और मुसलमानों का, ये तुष्टिकरण है। हम कहते हैं सबका हक बराबर है। अब देखिए आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं इनके मैनिफेस्टो में, ये चित्रा जी इनका मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का है और इसमें ये लिखा है बहुसंख्यकवाद के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। ये मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का। मैं तो राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं तो बहुसंख्यक हूं, हिंदू हूं, आप भी बहुसंख्यक हिंदू हैं, हमारे लिए भारत में जगह क्यों नहीं है भाई? ये ऐसे ही वाक्य नहीं डाला गया, ये इसलिए डाला गया है क्योंकि मुसलमानों को संदेश देना है कि भारत के हर संसाधन पे पहला हक आपका है। दूसरी बात, इन्हीं के मैनिफेस्टो में लिखा है चित्रा जी, जो व्यक्तिगत कानून होंगे उनको मजबूत बनाया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर संवैधानिक है, नरेंद्र मोदी जी ने उसे अपराध बना दिया। ट्रिपल तलाक की जो वारदातें होती थी कम हो गई, अब ये कहते हैं व्यक्तिगत कानूनों को हम मजबूत बनाएंगे, इसका मतलब ट्रिपल तलाक की वापसी होगी, ठीक है, इसका मतलब हलाला ठीक है, इसका मतलब बहुविवाह ठीक है। तीसरी बात, मोदी जी ने वादा किया 2019 का मैनिफेस्टो देखिएगा भाजपा का, सीएए लागू करेंगे, क्योंकि जो तीनों देश है जिनका नाम हमने अपने सीएए के अमेंडमेंट बिल में लिया था, एक्ट हो गया है, वो मुस्लिम बहुल्य है, वहां पे प्रताड़ित होते हैं 6 धर्म के जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, अगर उनको हम नागरिकता दे रहे हैं, मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया, मैनिफेस्टो लागू किया, तो इनको क्यों दर्द हो रहा है? रोहिंग्या इनके भाई बन जाते हैं जो घुसपैठिए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू मैं जवाब ले लेती हूँ, इनसे नफरत करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि पहले मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगी। सुनील सिंह जी, वो कह रहे हैं कि मोदी जो गारंटी देते हैं उसको पूरा कर रहे हैं सीए के मामले में, खुद प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की सियासत कर रही है? वो तो आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां करती रही हैं। देखिए चित्रा जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में हालांकि सब झूठ बोला है, लेकिन जो सबसे बड़ा झूठ बोला है वो यही बोला है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। और उनकी गारंटी क्या है? हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, भारतीय राजनीति में आप गारंटी दे रहे हैं, लेकिन देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी इसकी गारंटी किसने दी थी? देश में महंगाई कम होगी इसकी गारंटी किसने दी थी? देश में रोजगार के इंतजाम होंगे इसकी गारंटी किसने दी थी? देश में पिछड़े दलितों का आरक्षण बचा रहेगा इसकी गारंटी किसने दी थी? देश में महिलाओं का सम्मान होगा इसकी गारंटी किसने दी थी? ये सारी गारंटी मोदी जी ने दी थी, एक भी पूरी नहीं हुई। क्या रुपए डॉलर के बराबर आ गया है? ये गारंटी किसकी थी? हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पे उड़ेगा, ये किसकी गारंटी थी? किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये किसकी गारंटी थी? तो किस गारंटी की बात कर रहे हैं? और इस पूरे चुनाव में चित्रा जी, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं मोदी जी का, 10 साल से देश ने बड़ा सम्मान किया, इतना बहुमत दिया, प्यार दिया, आपने देश को क्या दिया? केवल झूठ, नफरत, गुमराह, पिछड़ापन, यही दिया है देश को। तो मुझे लगता है विदाई का वक्त है, और मैं एक बात आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, हम लोग चुनाव में हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो कह रहे हैं आज तक पर, ठीक है, 4 जून के बाद हम हो, चित्रा जी या आप हो,
जब भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे तो आप उनको पूर्व प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए, इसके बाद बाकी लोगों की विदाई होने जा रहा है। हाँ ठीक, तो इनकी गारंटी कहीं बची नहीं है। हाँ, इंडिया को इंडिया गठबंधन बचाएगा और नए इंडिया को नई तरक्की की तरफ अगर कोई ले जाएगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार ले जाएगी। गौरव भाटिया जी, देखिए मैंने बड़े ध्यान से सुना और मैं इतना बता दूं इनको कि 2024 तो छोड़ो, 29 तो छोड़ो, 34 तो छोड़ो, मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री और पंचर साइकिल पंचर ही रहेगी। और वजह बताता हूं आपको, आपको मालूम है राम गोपाल यादव मस्जिद के बारे में तो एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, लेकिन भव्य राम मंदिर बना, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसका नक्शा खराब है, चित्रा जी ये बता रहे थे। और वोट जिहाद होता है ये पता चला भारत की जनता को जब मरिया आलम खान सपा की नेत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया, वोट जिहाद कर डालो। और अखिलेश यादव से एक निर्भीक पत्रकार ने पूछा ये वोट जिहाद क्या है, तो अखिलेश यादव ने कहा ये जोश में बोल जाते हैं। अच्छा, जोश में वोट जिहाद होता है, सोचिए अगर बहुसंख्यक एक हो गए 80% तो इनका क्या हश्र होगा। अब एक बात और बताता हूं, इनका मैनिफेस्टो है ये 2012 का, इनकी सोच क्या है आप सोचिए। मौलाना मुलायम खुद को नाम दिया, मौलवी अखिलेश बन गए, आतंकवादी का धर्म अगर मुसलमान निकलेगा तो उसके मुकदमे वापस होंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में लिखा है। अगर 10वीं पास करेगी एक हमारी बच्ची, अगर वो मुस्लिम होगी तो उसको भत्ता दिया जाएगा 30,000 रुपए, लेकिन अगर हिंदू सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी होगी तो नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से जब अलकायदा का मॉड्यूल पकड़ा गया लखनऊ में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चित्रा जी, तो पुलिस पे सवाल उठाने लगे, आतंकवादियों के साथ मिल गए अखिलेश बाबा और कहने लगे मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, मतलब आतंकवादी पे भरोसा है, खाकी वर्दी पे नहीं है। अब ऐसी सोच और मानसिकता का जवाब तो केवल जनता ही दे सकती है। थोड़ा साफ होगा, एक सीट नहीं आएगी उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो झूठ और झूठ और झूठ ही बोलते हैं। हम तो अनुरोध करेंगे आज तक जैसे बड़े चैनल पर जब आए तो पढ़ करके आए, थोड़ा समझ करके आए, तो झूठ बोलने से देश गुमराह नहीं होगा। और कौन से बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, क्या हम हिंदू नहीं है क्या? अगर हिंदू नहीं मानते हैं तो आप बहुसंख्यक से निकाल दीजिए ओबीसी को, निकाल दीजिए एससी को, निकाल दीजिए आदिवासी को, क्या बचता है आपके पास? और मैं बात फिर कह रहा हूं, हमारा भगवान पीडीए है, हम अपने भगवान के बीच जा रहे हैं। अब आप बेईमानी करेंगे, चंदा चोरी करेंगे, जमीन घोटाला करेंगे, भगवान राम के नाम पर वैक्सीन पर पैसा ले लेंगे, गौकसी करने वालों से पैसा ले लेंगे और सारे भ्रष्टाचारियों को, सारे बलात्कारियों को आप पनाह दे देंगे पैसा ले लेकर के, तो ये भैया आपका चरित्र है। ठीक है, लेकिन देश जान रहा है। हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। अभी मैं बाकी मेहमानों को भी लेकर आती हूँ, चार और लोग हैं वरना सबकी बात रह जाएगी। ठीक है, आपकी बात हो गई। मोदी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, वारिस पठान जी अब आपके पास आते हैं। ठीक है, सबकी जांच होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि विरोधी दल हिंदू मुसलमान ज्यादा करते हैं, बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। दूसरी तरफ वारिस पठान जी, प्रधानमंत्री की ओर से आज ही कहा गया कि देखिए मोदी की गारंटी का मतलब सीए कानून को लेकर हमने जो वादा किया था उस पर आज से ही इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। फिर वो 370 की बात करते हैं, बाकी मुद्दों को भी गिनाते हैं और ये कहते हुए आप लोगों से सवाल पूछते हैं, विरोधियों के पेट में दर्द होता है इससे जब मोदी अपनी गारंटी को पूरा करते हैं। तो वारिस जी, देखिए चित्रा जी, चार चरण हो गए चुनाव के, ये चारों चरणों में बीजेपी को, मोदी जी को समझ में आ गया है कि 400 पार का जो नारा लगा रहे थे वो तो टोटल फेल हो गया। अब तो 200 पार के भी तकलीफ हो गई है, तो अब उसका जो घबराहट फ्रस्ट्रेशन आया उसके ऊपर मोदी जी अब झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिए। वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं और वहीं पर राजस्थान में स्टेज मंच से खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुसलमान तो घुसपैठिया है, छः छः बच्चे पैदा करता है, ये लोग उनके मंगलसूत्र बेच देंगे, जमीन बेच देंगे और सारी चीजें उनको दे देंगे। फिर बाद में पलटी मारते कह रही मैंने किसी को नहीं करता, वो आपके पास क्लिप है, वो 3 मरतबा मुसलमान नाम उन्होंने लिया हुआ है उसमें। अब मोदी जी बोलते हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। अब उन्हीं के नेता होम मिनिस्टर अमित शाह साहब है, अमित शाह साहब क्या बोलते हैं, सत्ता में आए तो मुसलमानों का जो आरक्षण दिया है
वो भी छीन लेंगे, पर्सनल लॉ है खत्म कर देंगे। उनके दूसरे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा वो क्या बोलते हैं कि काशी मथुरा बाकी है, ये तो अभी झांकी है। मतलब चुनाव में इतना पोलराइज होना शुरू हो गया, और मोदी जी बोलते हैं अब हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो क्या ये हिंदू मुसलमान नहीं है? नहीं, हुआ क्या है कि इनकी नैया जब इनको डूबती हुई नजर आ गई ना, तो अब इनके पास एक ही चारा रह गया है कि मतलब कुछ भी करो, अब मुसलमान हिंदू शुरू कर दो। देश का युवा, देश का नागरिक अभी समझदार हो गया, उसको विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, काम चाहिए, वो ये सब चीजों में नहीं जाता। मगर अब मोदी और झूठ, आगे के दिनों में आप देख लेंगे कि कितना मुसलमान के नाम से बात की जाएगी, कितना तुष्टिकरण की राजनीति की जाएगी, विकास डेवलपमेंट सारे मुद्दों पर कोई नहीं होगा अब बात। मगर झूठ की बोला, 2002 की मोदी जी ने बात करी कि मैं मुसलमानों के घर में खाना खाने जाता था, ईद के दिन, बकरीद के दिन, जब भी जाते थे। मैं याद दिलाऊंगा मोदी जी, 2002 के अंदर ही तो गुजरात का कांड हुआ था, वहां पर बिल्किस बानू उसका बलात्कार हुआ, उसकी माँ का, बहन का बलात्कार, मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, उसकी बेटी का सर फोड़ के मार दिया गया। वो जब बिल्किस बानू के बलात्कारी पकड़ाए थे, जेल में थे, सजा भुगत रहे थे, गुजरात चुनाव के पहले आपकी सरकार ने उनको रेमिशन के तहत छोड़ दिया था, तो वो क्या हो गया, वो मुसलमान नहीं थी। यहाँ पर हर आए दिन बिना नोटिस दिए मुसलमानों के मदरसों के, आपके मंत्रियों के राज के अंदर तोड़ दिया जाता है, तब आप क्यों खामोश बैठते हैं? मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है, तब आप क्यों खामोश बैठते हैं? JSR का नारा नहीं लगाने पर मार दिया जाता है, तब आप क्यों खामोश बैठते हैं? तो आपको इसी वक्त मुसलमान याद आया, आपको हिंदू मुसलमान की बात तो राजनीति कर ही नहीं सकते, आपको खाना भी हजम नहीं होने वाला है।